हे गाइस, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे आपके चैनल पे हेटमिक्स में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले लेग बेंडिंग के बारे में। आपके डॉग को लेग प्रॉब्लम आ रही है या शुरू हो रही है या फिर नहीं है, तो आप इसके बारे में जरूर से जान ले, क्योंकि आपके डॉग को भी ये लेग प्रॉब्लम हो सकती है कुछ ना कुछ मिस्टेक करने के बावजूद। अगर आपके पास ऑलरेडी डॉग को लेग प्रॉब्लम हो रही है, लेग बेंडिंग हो रही है, जो लेग नीचे से वो एक तरह से मुड़ रहे हैं साइड से, दोनों साइड से पीछे के, तो आपको ये वीडियो जरूर से देखनी चाहिए ताकि मैं इसका आपको सॉल्यूशन बता सकूं और आपके डॉग के पाव जो नॉर्मल हो सके। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं रीजन की डॉग की लेग बेंडिंग जो है कहाँ कहाँ से शुरू होती है। जो सबसे पहले जो मार्बल की टाइल्स होती है आपके घर में, आप देखोगे कि आप अच्छा लुक आने के लिए आपके घर में टाइल्स लगाई जाती है, अगर डॉग उस पर चल रहा है तो उसमें एक पकड़ नहीं बना पाता, जिसके कारण वो पूरा फोर्स डॉग के जो लेग के बीच में आ जाता है, जिसका कारण वहां से जो उसके पैर जो बैंड होना चालू होता है। तो ये कभी भी धीरे धीरे होगा, एकदम से नहीं आपको देखने को मिलेगा, कम से कम महीना या 2 महीने के बाद आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो वो काफी ज्यादा मोस्ट ऑफली रीजन वही होता है कि लोग जो है बाहर नहीं ले जाते मार्बल की टाइल्स पे, उसको डॉग को खेलने देते हैं। दूसरा जो रीजन है सीढ़ी चढ़ना, ज्यादा करके जो पप्पीज होते हैं वो कभी कभार सीढ़ी चढ़ते हैं, तो उसके कारण वो फोर्स पूरे लेग पे आता है, जिसके कारण वो ऊपर नीचे होने के कारण उसका लेग बेंडिंग जो चालू हो जाता है। जो नेक्स्ट रीजन है वो है कि जैसे कि आप अगर आप अपने डॉग को जैसे कि एग होते हो, कच्चे एग खिला रहे हो या कच्चा रोज चिकन दे रहे हो, तो उसके कारण भी चांसेस है कि जो जॉइंट्स में प्रॉब्लम आ सके, डॉग को हिप डिस्प्लेसिया जैसे प्रॉब्लम आ सके। कभी कभार आप देखोगे कि डॉग के जॉइंट्स से प्रॉब्लम वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण डॉग को चलने में काफी ज्यादा तकलीफ हो जाती है। ये ज्यादा करके जो एज होती है वो जैसे कि न्यू पप्पी होती है उनमें काफी ज्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि नए नए लोग होते हैं उनको पता नहीं चलता न्यू ओनर डॉग ओनर को, तो कैसे भी डॉग को खेलने के लिए दे देते हैं, कहाँ पे भी जाने देते हैं, जिसके कारण डॉग को ये प्रॉब्लम चालू हो जाती है। 2 से 3 मंथ से लेकर 6 या 8 मंथ या 9 मंथ तक के बीच में भी आपके डॉग को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। दूसरा जो रीजन हो सकता है वो नेचुरल हो सकता है, जैसे कि डॉग को विटामिन डी की कमी हो सकती है, डॉग को जो बोन्स में जो चाहिए विटामिन वो उसके कमी होती है, जिसके कारण हमें जो डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो डॉक्टर जो हमें सजेस्ट करते हैं कि इनको ये सिरप दीजिएगा, ये टेबलेट दीजिएगा, बट हमें इसका रेगुलर कोर्स नहीं करते, जिसके कारण पपी में ये सारी सिम्टम्स पाए जाते हैं। हमेशा पपी लेते हो तो उसमें ऐसा नहीं है कि सारे नेचुरल तत्व आ सके, आपके डॉग परफेक्ट हो सके। कुछ दिन के बाद अगर आप अच्छे से उनको खाने को नहीं देते, न्यूट्रिशन नहीं दे रहे, तो कमी के कारण भी ये हो सकता है। तो अब बात करते हैं हम इसके कैसे ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको डॉक्टर की राय जरूर से लेनी पड़ सकती है, जो घर में आप थोड़े मोटे पॉइंट्स यूज कर सकते हो, बट डॉक्टर की राय लेके आपको उसको डॉक्टर के पास एक बार चेकअप कराने जरूर से ले जाना है, ताकि उनमें कुछ ऐसे अंदरूनी कुछ प्रॉब्लम हो सके तो वो आपके डॉग को जल्दी से जल्दी जो लेग बेंडिंग ठीक हो सके। आप घर पे जब भी आप घर पे क्या करो, आप एक अच्छा सा नीचे कुछ बिछाने के लिए आता है कारपेट जैसा, वो आप डाल सकते हैं, डॉग को उसके ऊपर खेलने दीजिएगा, उसको मार्बल की टाइल से जितना हो सके उतना दूर रखिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। सरफेस वाला एरिया ऐसा चूज कीजिएगा जो हार्ड है, जैसे कि नीचे वाला कुछ खुरगुदा खड्डे वगैरह थोड़ा सा है, आप जैसे वहां पे ले जा सकते हो डॉग को, उसको वहां पे एक्सरसाइज करा सकते हो। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, सबसे बेस्ट जो तरीका होता है वो जैसे कि ग्राउंड में ले जाना, आप ग्राउंड में ले जाना, उसको सुबह शाम 30 मिनट की वॉक आपको जरूर से देनी है, जिसके कारण उसकी पकड़ मजबूत हो सके और आपका डॉग का जो लेग बेंडिंग है वो धीरे धीरे ठीक हो सके। उसके बाद आप चाहे तो गार्डन में भी ले जा सकते हो, मिट्टी में भी ले जा सकते हो, मिट्टी में उसकी पकड़ एकदम मजबूत रहेगी और आपका डॉग का जो लेग बेंडिंग का जो प्रॉब्लम होता है धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगा। उसके साथ साथ जैसे कि उसको खाने में अगर कुछ कमी है या कुछ न्यूट्रिशन की कमी है, तो डॉक्टर की राय लेके आप वो भी कंटिन्यू दे सकते हो, और जितना हो सके उतना मार्बल की टाइल से या सीढ़ियों से उतना डॉग को दूर रखे, यानी धीरे धीरे देखोगे कि आप जो उसके लेग बेंडिंग में फर्क आपको देखने को मिलेगा। अगर आप ये ध्यान रखना, ये लंबी वाली प्रोसेस है, अगर आप सोच रहे हो 15 दिन में मैं इसे ठीक कर सकूं या फिर 10 दिन में ठीक कर सकूं, तो ये आपका गलतफहमी हो सकता है। तो ये 15 या 10 दिन में ठीक होने वाला प्रॉब्लम नहीं है, इसको 1 महीना 2 महीना भी लग सकता है। कभी कभी ज्यादा करके मोस्ट ऑफ द रीजन जो कैल्शियम की कमी के कारण ही होती है, इसलिए नया पपी आप लेके आने के बाद डॉक्टर की राय लेके उसको कैल्शियम विटामिन बोन्स के लिए जो टैबलेट्स आते हैं वो जरूर से दीजिएगा, ताकि उसको ठीक हो सके। बहुत सारे लोगों को क्या होता है, डॉग को जैसे जैसे लेग बेंडिंग चालू हो जाती है तो उसमें ट्रिप्स लगाए जाते हैं, उसमें पट्टी लगाई जाती है और धीरे धीरे उस पाव को सीधा कर जाता है, बट वो आपको डॉक्टर की राय लेके ही उसका जो स्टेप जो है फॉलो करना है। बट घर पे जितना हो सके उसको स्टाइल से दूर रखिएगा, उसको जितना जो फिसलन वाली जगह है वहां से दूर रखिएगा, डॉग को हार्ड सरफेस पे ले जाइएगा, ग्राउंड पे ले जाइएगा, और जितना हो सके उतना उसको क्या आप एक्सरसाइज और ट्रेनिंग जरूर से दीजिएगा, ताकि उसके लेग जो है धीरे धीरे बेंड हो रहा है वो धीरे धीरे एकदम से कम हो जाए, और डॉक्टर के पास फर्स्ट आपको जाना ही पड़ेगा। और गाइस, ऐसे कंडीशन में अगर आपके डॉग को जैसे कुछ तबियत खराब हो गई या हिप डिस्प्लेसिया हो गया,
तो ऐसे में आपके डॉग को चलना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। जो उनके हिप होते हैं एकदम से एकदम आप देखोगे कि वो घसाते घसाते चल रहा है, आपका डॉग चलने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रही है, तो उसके कारण और भी ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए जितना हो सके उतना डॉक्टर के पास जाइएगा, सिरप या विटामिन से जो भी आपको मिल रहा है उसका आप यूज करके डॉग को जल्दी से जल्दी आप ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। अब देखो अगर आपके डॉग को स्टार्टिंग एज में भी ऐसा लग रहा है तो तुरंत ही आप उसके ऊपर स्टेप करके उसको अच्छे से ठीक कर सकते हैं। तो आशा करता हूं आपको छोटी सी वीडियो अच्छी लगी, तो लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।